स्टूडेंट रिया, तो चलिए आज न्यू व्लॉग है मेरा और आज हम किसी स्पेशल से मिलने जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा मीट होता है और आगे क्या होता है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो निकल चुके हैं हम घर से, अब जल्दी से हमें ऑटो लेना है और जल्दी से हमारे लोकेशन पे पहुंचना है, बिकॉज आज बहुत काम है, आज बहुत कुछ प्लान किया है। लेट्स सी सक्सेसफुल होते हैं हमारी प्लानिंग में कि नहीं, हमारे शूट हो पाते हैं कि नहीं। ये आज का एक दिन हमने प्लान किया है शूट के लिए, तो लेट्स सी क्या होता है। और हमें ऑटो मिल गया है। मुझे ऑटो राइड तो बहुत पसंद है, जैसे कि ऑटो में बहुत हवा लगती है, इसलिए आई लव ऑटो राइड। तो चलिए हमारे साथ एंड तक बने रहिए, व्लॉग को पूरा देखिए कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। और ये आ गए हैं हम अपने स्टेशन पे। ये हमारे स्टेशन का लुक है, जैसा कि आप पहले भी व्लॉगिंग में देख चुके हैं। तो आज है संडे, तो संडे है दैट मीन्स रश तो बहुत रहेगा, बिकॉज सबका छुट्टी रहता है, तो सब लोग इधर उधर जाते हैं अपने इन्जॉय करने के लिए। तो ये 12 या 1 बजे का टाइमिंग था, हमें लगा था रश नहीं होगा, बट स्टेशन पे रश था। बट मुंबई में हो तो रश की हैबिट होनी चाहिए, जैसा कि डेली रहता है सुबह शाम, तो ये हमें हैबिट होगी रश की। तो चलो देखते हैं ट्रेन कब आती है। तो गाइज मैं आज एक खास इंसान से मिलवाती हूँ, ये हमारा है वीडियोग्राफर। सबसे ज़्यादा मेहनत यही करते हैं, कंटेंट यही सोचते हैं, तो ये है हमारा वीडियोग्राफर। ये हमारा स्टेशन का है लुक। और आज संडे है तो आज बहुत रश है, बहुत रश। और ये ट्रेन आ गई है हमारी, और चलो फिर जर्नी में बने रहिए हमारे साथ। ज़्यादा दूर तो नहीं जाना था, एक दो स्टेशन आगे जाना था, तो मैं खड़ी थी। और ये हम पहुंच चुके हैं हमारे स्टेशन पे। तो देखिए हम कौन से स्टेशन पे आए हैं, ये है विठलवाड़ी। तो हम आ गए स्टेशन पे और अभी हम भाई का वेट कर रहे हैं, देखते हैं भाई कब आएंगे। ये देखिए हमारा कैमरामैन थक गया है, वेट कर रहे हैं हम लोग, अभी देखते हैं कब आएंगे। तो जैसे कि हमारी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने हमें बोला ऑटो स्टैंड तक आ जाओ, तो ये एक शॉर्टकट था, तो हम शॉर्टकट से ऑटो स्टैंड जा रहे थे। ये हमें रिसीव करने के लिए आए थे, ये गली है जहाँ हम जा रहे थे जिनसे मिलने के लिए। तो ये एकदम छोटी छोटी गलियाँ थी और हम लोग स्कूटी राइड दे रहे थे। और ये हम पहुँच गए उनके घर जिनसे आज हम मिलने जा रहे हैं। लेट्स सी कौन है वो, सरप्राइज़ आप लोगों के लिए। और देखिए हम जिससे मिलने आए हैं वो हैं आदर्श भाई। तो आज हम लोग इनके साथ शूट करने वाले हैं। ये एक प्रैंक मास्टर हैं, बहुत प्रैंक वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी फेमस भी हैं। तो आज इनके साथ हम शूट करेंगे। और ये है उनका घर, इतना अच्छा टेंपल उन्होंने बनाया हुआ अपने घर में, बहुत अच्छा था। तो ये हम शूट करते हुए प्रैंक वीडियो, और बेसिकली ये मेरे पे प्रैंक हो रहा था, तो ये थोड़ा सा हमने बिहाइंड द सीन आपको दिखाया है। तो गाइज हमने 2-3 वीडियो शूट कर लिए हैं, प्रैंक वीडियोस है, वो आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। अब हम और वीडियो शूट करने जा रहे हैं। मैंने लुक चेंज कर लिया है मेरा, बिकॉज डिफरेंट वीडियोस करनी पड़ती है और मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ। तो आपने देख लिया है हम किसके साथ कर रहे हैं शूट और किसको मिले हैं। तो आगे भी आप व्लॉग में बने रहें, आपको और भी देखने के लिए मिलेगा। ये हम जा रहे हैं अपने दूसरे लोकेशन पे, दूसरा शूट करने के लिए, बिकॉज़ बहुत सारे शूट करने थे। और ये हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, तो हमें डिसाइड करना है कि हम किस साइड पे शूट करेंगे, बिकॉज ये हम कुछ ऑटो से रिलेटेड शूट करने वाले थे, तो उन्होंने बताया कि ये लोकेशन ठीक रहेगा।
तो ये आ गया है हमारा ऑटो। अभी उनके पहचान वालों का किसी का ऑटो था तो ये भैया आ गए थे। अब हम अपना शूट करेंगे। तो वैसे ही शूट करना शुरू किया था तो एक शादी वाली गाड़ी आ गई थी, उनको जगह नहीं मिल रही थी। और ये देखिए बिहाइंड द सीन सब कैसे लगे हुए हैं कैमरा पकड़ के, बिकॉज हर एंगल में शूट करना पड़ता है ताकि वीडियो का अच्छा आउटपुट मिले। तो सब लगे हुए थे मेहनत करने के लिए। तो इन्जॉय करिए बिहाइंड द सीन। ऑटो रिलेटेड हमने दो वीडियो शूट किया था, ये सेकंड वाला है। तो देखिए आदर्श भाई ऑटो को धक्का मारते हुए ये एक कॉमेडी सीन शूट कर रहे थे हम लोग, जिसमें मैं ऑटो वाली बनी थी। और ये हमारा शूट हो गया है ख़त्म यहाँ का, इस लोकेशन का। अब हम जाएंगे दूसरे लोकेशन पे। बट दूसरे लोकेशन पे जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना कुछ थोड़ी मस्ती कर ले और एक शॉर्ट वीडियो भी शूट कर ले। जैसा कि आजकल एक गाना बहुत फेमस है टोनी कक्कड़ का, तो हमने सोचा वो भी शूट कर ले, 12 लड़के। तो ये शूट करते हुए हम लोग 12 लड़के एक दो टेक लेने के बाद ही परफेक्ट वीडियो बनती है गाइस, ऐसे नहीं। हर वीडियो के पीछे एक मेहनत होती है। तो शूट ख़त्म हो चुका है, अब हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे। और ये आदर्श भाई स्कूटी चलाते हुए, अब हम मिलेंगे आप लोगों को। चलिए ये आ गए हैं हम दूसरे लोकेशन पे। यहाँ पे हम कुछ पानी पूरी रिलेटेड शूट करने वाले हैं, वो भी कॉमेडी ही है शॉर्ट वीडियो। तो सब लगे हुए हैं, कैमरा सेट करना, माइक सेट करना, वॉइस क्लियर आनी चाहिए वो सब। और यहाँ पे ये देखिए माइक सेट करते हुए, एक माइक में कुछ इशू हो गया था तो वही देख रहे थे, क्योंकि वॉइस आनी चाहिए, दोनों कैरेक्टर्स की वॉइस अच्छे से आनी चाहिए। इसके लिए माइक के पीछे इतना परेशान थी कि क्या हो गया। बट एट लास्ट एक ही माइक से हम लोगों को आगे प्रोसीड करना पड़ा। ये गोलगप्पे वाला है, हमारा गोलगप्पे वाला 5 लीटर को, 5 लीटर का गोलगप्पे वाला के दे रहा बराबर एकदम। तो जैसे कि हम यहाँ पे शूट कर रहे थे पानी पूरी का, तो यहाँ पे बहुत पब्लिक भी आ गई थी, जो लोग भी आदर्श भाई को जानते हैं और देखते हैं कि हाँ शूट कैसे होता है। पब्लिकली शूट करना ईजी नहीं होता है, क्योंकि हर कोई आपको देखता है तो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और हम ये सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा पानी पूरी शूट हो रहा है, जो कॉमेडी वीडियो है वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, जल्दी ही अपलोड होगा रेंट्रिया पे। और ये हम लोग तीसरी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ सब्जी वाला रिलेटेड शूट कर रहे थे। तो ये भी आप लोगों को जल्दी वीडियो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी काफ़ी रश हो गया था और हर एंगल से लेना है तो हर कोई बिजी था, दूसरे एंगल से लेना है दूसरे एंगल से, और एक दो टेक तो होते ही होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ से ये वीडियो ख़त्म हुआ है। और देखिए कितना भीड़ है और रोड पे शूट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो भी शूट कर रहे थे, एक गाना चला है तो वो भी हम लोगों ने सोचा कि शूट कर ले। तो ये हम आगे जाते हुए, और ये तीसरा एक और लोकेशन पर हम लोगों ने शूट किया पतली कमरिया, उसका भी एक दो टेक हुआ, उसके बाद कहीं जाके अच्छा आया था। तो हो गया है हमारा आज का शूट कंप्लीट। अभी मैं हूँ आपका आदर्श मनोज शुक्ला और इनके यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकॉन दबाओ। ये बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं और बहुत क्यूट दिखते हैं। तो मेरा होप्स आप लोग से यही विनती है दिल लगा के, जाइए इनके चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए। वीडियो एंड होने वाला है और जितनी मेरी टीम थी सब अपने अपने शूट में बहुत ज़्यादा बिजी और आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया प्राइम डे का, और एंड तक आप लोग बने रहे इसलिए थैंक यू सो मच। अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस यहाँ मेरा ब्लॉग खत्म होता है और प्लीज सब्सक्राइब रेनप्रिया और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।